शुभंकर, इनका साफ तौर से कहना है कि इसीलिए डीआईजी को कहा गया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, अगर कहीं किसी तरह का किसी की भी कॉम्प्लिसिटी होती है तो उस पर एक्शन होगा, ये इनका साफ तौर से कहना है। और एक दूसरा पॉइंट जो मेंशन करना चाहते हैं वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक छोटुआ करके एक और अभियुक्त का नाम लिया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। शाहरुख की गिरफ्तारी 23 तारीख को ही हो चुकी थी, जिस दिन इंसिडेंट है उस इस इंसिडेंट को भी ग्रूसम माना जा रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से। स्पीडी ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा अदालत से, ये इनका साफ तौर से ठीक है। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी आएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। दुमका से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रा को जलाकर मारने की वारदात पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया। दरअसल निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि जब लड़की बुरी तरह जल गई थी तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से क्यों नहीं एयरलिफ्ट किया गया। आरोप लगाया कि छात्रा ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने पहले एक्शन नहीं लिया। ये जो इस तरह की घटना है, इसकी जितनी भर्त्सना कर जाए, निंदा की जाए, इससे कलंकित करने वाली घटना, इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। हम बच्ची का जान नहीं बचा पाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है, जो वहाँ के SDPO हैं नूर मुस्तफ़ा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है, पूरा दुमका आक्रोशित है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, देश को जानने लायक है। एक तो लड़की को जब ये तंग कर रहे थे तो लड़की ने इसका कंप्लेन समय समय पर किया और प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। हम ये दिखाना चाहते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी है, आम जनता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब बराबर है। लेकिन दुमका में हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते हैं। तो ये आपने सुना कि हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, ये तमाम जो सवाल है वो कह रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये मामला अब बहुत ज्यादा संवेदनशील तो है ही, लेकिन इसको लेकर लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा हो गया। तस्वीर देखिए आप, दुमका की तस्वीर दिखा रहे हैं, देवघर की दिखा रहे हैं, जमशेदपुर की दिखा रहे हैं, और तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे तो लोगों का आक्रोश जो है वो जबरदस्त तरीके से निकला है। लोग नाराज हैं, नाराजगी को वो जाहिर कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोहब्बत की नफरत में ये हैवानियत हुई है, ये अपने आप में हैरान करने वाली, डराने वाली, समाज को कलंकित करने वाली। दुमका में 16 साल की छात्रा की मौत पर झारखंड सरकार बैकफुट पर है, बीजेपी हमलावर है। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस मामले को लेकर